बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको छोले आलू का मज़ेदार सा सालन बनाना बताऊंगी। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वो तो एक बहुत सिंपल और इजी तरीके से बनने वाली है, और दूसरा ये कि उसका थोड़ा सा यूनिक स्टाइल और डिफरेंट स्टाइल में बनने वाली वीडियोज़ को मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस को फौरन देख सकें। तो चलें अब हम अपने छोले आलू बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक बड़े साइज की प्याज को मैंने ले लिया था और उसे चॉप कर लिया। दो हरी मिर्चें मौजूद हैं जिन्हें मैंने जो है बीच में से कट लगा के जो है टुकड़ों में कर लिया। आधा खाने का चम्मच मेरे पास यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट है। दो तेज़पात के पत्ते हैं। एक खाने का चम्मच भर के मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया। दो टमाटर थे जिसको मैंने जो है वो जूसर ग्राइंडर में चलाकर इसका पेस्ट बना लिया। छोलों के लिए मैं यहाँ पर बॉइल्ड छोलों का टिन यूज़ कर रही हूँ। इसमें तकरीबन एक कप भर के छोले होते हैं, तो अगर ये टिन नहीं है आपके पास तो आप एक कप भर के यहाँ पर छोलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जितना आपको क्वान्टिटी रखनी हो आप उस हिसाब से। अगर छोलों की क्वान्टिटी आप ज़्यादा रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है और सारे इन्ग्रीडियंट्स वो डबल हो जाएंगे। और अगर छोले आपको जो है घर में बॉईल करना है तो उसका आसान तरीका ये कि एक दिन पहले रात में आप छोलों में पानी डालकर उसमें थोड़ा सा जो है वो सोडा और आधा चम्मच नमक डाल के उन्हें रख दें। अगले दिन उसका पानी फेंकें, धोएं उनको और जो है वो बॉईल करने के लिए रख दें, तो थोड़ा सा नमक डाल के रख दें। स्पाइसेस में मेरे पास जो है वो एक चम्मच भर के मैंने पिसी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे। मिर्च जो है आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप खाते हैं उतनी यूज़ करें, और मिर्चों का ज़ाहिर है ये भी देखना पड़ता है कि आपकी मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ है या हल्की है। मेरे पास जो पिसी हुई लाल मिर्च है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो मैंने एक खाने का चम्मच भर के जो मेरे पास मौजूद है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करी है। आधा खाने का चम्मच मेरे पास यहाँ पर पिसा हुआ धनिया है। आधा ही खाने का चम्मच मेरे पास यहाँ पर काली मिर्च है। आधा खाने का चम्मच मेरे पास यहाँ पर सॉल्ट है। सॉल्ट भी जो है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, आप कितना इस्तेमाल करते हैं। और जो है वो आधा खाने का चम्मच मेरे पास यहाँ पर हल्दी पाउडर। इसके साथ साथ एक पतीली में मैंने दो नॉर्मल साइज़ के आलूओं को बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब तक हमारे आलू बॉयल हो रहे हैं हम अपना मसाला तैयार करना शुरू करते हैं। एक पतीली में लेकर हमने दो सालन के चमचे जो मेरे पास चमचे मौजूद हैं भर के मैंने ऑयल डाला। ऑयल जब मेरा गर्म हो गया तो मैंने इसमें तेज़पात का पत्ता और जीरा डाला। जीरे को थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल में ही अपनी खुशबू दे दें। देन हम यहाँ पर अपनी प्याज ऐड करेंगे। प्याज मैं ऐड कर चुकी हूँ। अच्छा, प्याज को यहाँ पर जो है ब्राउन नहीं करना, इस तरह वाली ब्राउन जो कि कोरमे वाली होती है। हमने बस अपनी प्याज को जो है वो 3-4 मिनट तक फ्राई करना ताकि बिल्कुल जो है इसका थोड़ा सा कलर पिंकिश हो जाए। कच्ची पक्की हमें प्याज रखनी है। मेरे पास यहाँ पर हरी मिर्च मौजूद थी, मैं वो भी प्याज में ऐड कर दूँगी। इससे ये होगा जो हरी मिर्चों का भी सोनापन है वो प्याज के अंदर आ जाए। प्याज आप देख सकते हैं कि जो है वो थोड़ी सी पिंक हो गई है हमारी, इस तरह से जो है बस हमें इतना ही तकरीबन 3 मिनट मैंने इसको फ्राई किया। अब हम यहाँ पर जो टमाटर के पेस्ट में हमने सारे स्पाइसेस डाले थे वो हम जो है इसमें ऐड करेंगे। देन हम इसे ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे। साथ साथ जो मेरे पास यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट था मैं वो भी डाल दूँगी। डालने के बाद भी सबको अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे। देन हम चूल्हा हल्का करेंगे और अपने मसाले को कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे। इतने टाइम में जो मेरे आलू थे वो भी जो है बॉईल हो चुके हैं, तो मैं अब इनका कवर निकाल दूंगी। आलूओं का कवर उतार के मैंने सिंपली एक काम किया है कि अपने हाथों ही की मदद से इस तरीके से आलूओं को तोड़ लिया। अच्छा, आपने जो है वो बिल्कुल इसका चूरा नहीं करना है, इस तरीके से मोटे टुकड़ों में ही इसे तोड़ना है ताकि इतने हमारे पास इतने इतने मोटे टुकड़े आलूओं के मौजूद रहें। मैं अपने मसाले की इतनी अच्छी भुनाई करनी है कि जो हमारे मसाले में ऑयल था वो भी ऊपर आ जाए और मसाले का जो कच्चा बन था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। देन अब मेरे पास यहाँ पर जो मैंने अपने हाथों की मदद से आलू तोड़े थे वो मैं मसाले में ऐड करूँगी। आलू ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर छोले भी ऐड कर दूँगी। इस सबको मसाले में अब मिक्स करेंगे। आलू और छोले को मसाले में मिक्स करने के बाद हम इसे तकरीबन 1 मिनट तक मसाले के साथ भुनाई कर लेंगे। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बताती चलूँ कि जिस तरह आप बाहर खाते हैं छोले, ढाबा स्टाइल बिल्कुल ये छोले हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो मतलब इसका जो तरीकाकार है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला तरीका, कि जब आप ये बनाएंगे आपको खुद अंदाज़ा होगा
ये बहुत जो है जो नॉर्मली हम सिर्फ प्याज टमाटर या दही से डाल के बना लेते हैं छोले, उनमें और ये जो मैंने रेसिपी शेयर की उनमें और इसमें बहुत फ़र्क है। टेस्ट बहुत जो है आपको डिफरेंट कर देगा। एक मिनट तक भूनने के बाद अब हम यहाँ पर वाटर ऐड करेंगे। टेबल मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी ऐड किया। अच्छा अगर आपके पास छोले आपने बॉईल किए हों तो बॉईल करने के बाद जब छोले निकालते हैं तो जो वो पानी अगर आपके पास मौजूद हो तो आप वो पानी भी यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने जो है वो टिन वाले छोले यूज़ किए थे तो मेरे पास वो पानी नहीं था, इसलिए मैंने जो है नॉर्मल वाटर है वो 1.5 कप इसमें ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं कि मसाले में हमारे जो हमने पानी डाला था खौलाना शुरू हो गई है, हम इसका चूल्हा हल्का करेंगे। अच्छा एक बात मैं आपको और ये बताती चलूँ कि आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है तो इसके लिए सिर्फ आप यहाँ पर 1 कप पानी ऐड करें। मुझे थोड़े से ग्रेवी वाले पसंद है तो मैंने इसलिए यहाँ पर 1.5 कप पानी ऐड किया। अब मैं यहाँ इस पॉइंट पर चूल्हा मैंने हल्का कर दिया और मैं इसे कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि जो मैंने पानी ऐड किया है उससे जो है बाकी मसाले में वो मिक्स हो जाए और जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए उसके लिए वो रेडी हो जाए। 5 मिनट के बाद मैं इसका जब चूल्हा बंद करूंगी तो फिर मैं आपको उसको निकाल के दिखाऊंगी कि इसके लुक कितनी शानदार आती है। जी तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर मज़ेदार सा छोले आलू का सालन बनके बिल्कुल रेडी है और इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कि आप बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाकर या क्या किसी ढाबे पे जाकर नान के साथ या शीरमाल या पराठों के साथ खाते हैं तो इसका बिल्कुल स्टाइल और इसका टेस्ट बिल्कुल वही है। तो जब आप कोई चीज़ घर में बना सकते हैं तो मैं हमेशा आप लोगों से ये बात कहती हूँ कि बाहर का खाना खाने के बजाय आप जो है वो घर में बनाएं, क्योंकि घर में हमें अपने हिसाब से हम अच्छा ऑयल इस्तेमाल करते हैं और हर चीज़ हम बेहतरीन बना के अपनी फैमिली की सेहत का बेनतहा ख्याल भी रख सकते हैं। अगर मैं आपकी इसको थोड़ी सी लुक चेक करवाऊँ तो आप इसकी ग्रेवी देखें और जो हमने इधर इसमें आलू डाले थे तो देखें ये आलू कितने अच्छे स्टाइल में लग रहे हैं, टूटे हुए भी हैं कुछ, इसमें शोरबे में मिक्स हो गए और इस तरीके से कुछ इसमें नज़र भी आ रहे हैं। सो इस तरीके से हमारा यहाँ पर मज़ेदार सा छोले आलू का सालन बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा और इसे अपने घर में बनाने की कोशिश भी कीजिएगा। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई किरण के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।